अस्सलाम वालेकुम, क्लास आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम जी, आ रही है। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर मेडिसिन स्टार्ट की थी, और उसका सेकंड लेक्चर होगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे आज। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात कहनी थी कि कोई भी बच्चा मुझे मेल करके ये मत कहे कि मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता या कर सकती, लेकिन मेरी अटेंडेंस लगा दें। मुझे अक्सर ऐसी मेल्स आती हैं कि मैं यहाँ बिजी हूँ, या ये हो गया वो हो गया। अगर कोई इमरजेंसी है या बीमार है या कुछ भी है, उसके लिए आप लीव दें और कोई भी लेम एक्सक्यूजेस दें कि अगर आप लेक्चर में नहीं हैं तो किसी की अटेंडेंस भी लगेगी। मुझे इस तरह की कोई भी बच्चा मेल नहीं करेगा, क्योंकि मैं कोई अटेंडेंस नहीं लगाती ऐसे। अच्छा जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। अगर कोई इशू हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। Continuing with the previous lecture, now last lecture में हमने किया था PET scan का। PET scan या PET scanner क्या होता है? PET stands for positron image emission tomography, which is a large machine with a round donut shaped hole in the middle, similar to a CT or MRI। इसमें जो हमने पहले pictures देखी थी, उसमें हमने मशीन देखी थी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, उसमें वही पेट स्कैनर था। विद इन दिस मशीन आर मल्टीपल रिंग्स ऑफ डिटेक्टर्स दैट रिकॉर्ड द एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेडियो ट्रेसर इन योर बॉडी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था वो यही था कि रेडियो ट्रेसर या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट जो है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट में, और फिर उससे गामा रेज एमिट होती हैं, जो कि डिटेक्टर होगा, गामा कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा, एंड देन इट डिस्प्लेस द इमेज ऑन टू द मॉनिटर। सो इट लुक्स लाइक दिस, द सेंट्रल होल इज बेसिकली द प्लेस फ्रॉम वेयर द पेशेंट इज पास्ड। द पेशेंट इज लाइंग ऑन द टेबल एंड कैमरा इज प्लेस जस्ट अबव इट। दिस इज द गामा कैमरा एंड द पेट मशीन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जो ये मशीनरी है, इसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है, विच एड्स इन क्रिएटिंग द इमेजेस फ्रॉम द डाटा ऑब्टेन्ड बाय गामा कैमरा। जरूरी नहीं है इसके साथ प्रोब यूज हो, बट प्रोब यूज करते भी हैं। प्रोब बिल्कुल ऐसे ही हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, जैसे कि हमने अल्ट्रासाउंड में प्रोब्स देखे थे। सो अगर इसके साथ जो प्रोब हम यूज करते हैं उसका काम क्या होता है? इट कैन डिटेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ रेडियो ट्रेसर इन अ स्मॉल एरिया ऑफ योर बॉडी, and there is no specialized equipment that is used during radioactive iodine therapy। uske liye koi uske liye humne ek picture dekhi thi last time pe, so that was a small machinery jo use hoti hai, but the technologist or other personnel administering the treatment may cover the patient's clothing with lead container to shield the radioactive material you will be which means the patient will be receiving। सो उसकी बॉडी को ओवर द क्लॉथ एक लेड शील्ड से कवर कर दिया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल ने जो है वो गामा रेज तो एमिट करनी होती है। सो फॉर दैट पर्पस, क्योंकि उसमें आप इतनी बड़ी मशीनरी नहीं यूज कर रहे होते जो अभी आपने पेट स्कैन में देखी है। हाउ डज द प्रोसीजर वर्क विद ऑर्डिनरी एक्सरे एग्जामिनेशन? हमने देखा था कि इमेज बन रहा था जब एक्सरे पेशेंट की बॉडी से पास करती थी, उसके आगे स्क्रीन थी, वहां पे इमेज आ जाता था। बट इन न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर वी यूज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल विच इज अ रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो ट्रेसर, जिसको आईवी इंट्रामिनसली एडमिनिस्टर किया जा सकता है और स्वेलो करवाया जा सकता है पेशेंट को, और इट कैन ऑल्सो बी इनहेल्ड एज अ गैस विच इज नॉट यूजली और कॉमनली यूज। This radioactive material accumulates in the organ or the area of the body being examined, where it gives off a small amount of energy in the form of gamma rays. ये वही बात है जो हम कर चुके हैं। Special cameras detect this energy and with the help of a computer
picture is created, offering the details on both the structure and function of the organ and tissues in the body. सो न्यूक्लियर मेडिसिन का यही फायदा है कि उसमें आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होते हैं, जैसे बोन स्कैन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और साथ में इसमें इसकी फंक्शनिंग को देख सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है ज़्यादा. सो इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. एरियाज ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी, या यही जो बात मैंने अभी की है, हाई लेवल ऑफ केमिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ हो रही होती है वहाँ पे ज्यादा रेडियो ट्रेसर होते हैं, और इन एरियाज को हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स. लेकिन जो लेस इंटेंस एरिया है जहाँ केमिकल या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है उनको हम कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं, और वहाँ पे स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ द रेडियो ट्रेसर होते हैं. सो दिस इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट. सो IV radio pharmaceutical being injected in this picture, जो के फिर IV line के through होता है, is just a diagram, और gamma rays emit होती है, gamma camera उसको pick up करता है और image display होती है. This is the simplest form. So gamma rays जो होती है जब emit होती है तो उसपे gamma camera है जिसके different parts हैं, इसमें collimator होता है. Collimator क्या करता है, जो के narrow down कर देता है gamma rays को, उस beam को, उसकी scattering को prevent करता है. और उसके बाद उस पर crystals कौन से होते हैं, sodium और tungsten के. Photo multiply tubes हैं, उसके बाद amplifier जो amplify करेंगे signals को. And then there is a circuit जिसके through signals कहाँ जा रहे हैं, onto the monitor or the computer. अच्छा, तो इन रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम भी, जो जिसमें आप रेडियो एक्टिव आयोडीन कौन से यूज़ करते हैं, आयोडाइन 131 फॉर थायराइड डिजीज लाइक ग्रेव्स डिजीज वगैरह में, या फिर थायराइड कैंसर के अंदर यूज़ करते हैं. सो रेडियो एक्टिव आयोडीन इज स्वेलोड एंड इट इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम इन द GIT tract एंड इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड बाई द थायराइड ग्लैंड वेयर इट डिस्ट्रॉयज विद इन दैट ऑर्गन. वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, लाइक थायराइड कैंसर है या हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेज है, तो उसमें सेल्स को डिक्रीज करवाएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट. देयर इज अ थेरेपी जिसको हम कहते हैं MIBG. MIBG बेसिकली एक ड्रग थेरेपी होती है, दैट इज मेटा आयोडो बेंजाइल गुआनिडीन. MIBG स्टैंड्स फॉर मेटा आयोडो बेंजाइल गुआनिडीन. ये जो थेरेपी होती है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं हाई रिस्क न्यूरोब्लास्टोमास में. न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है, इट इज़ अ मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नर्व टिश्यू ऑफ द इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन. तो उसमें हम इसकी कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं अलॉन्ग विद द रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ, आयोडाइड 131 के साथ. सो जब ये कंबाइंड थेरेपी हम न्यूरोब्लास्टोमा के लिए देंगे तो रेडियो ट्रेसर आप IV की फॉर्म में दे देते हैं, और फिर वो क्या करेगा, ये रेडियो ट्रेसर उन कैंसरस सेल्स के साथ बाइंड करेगा और उसमें गैमा रेज एमिट होंगी, और वो गैमा रेज क्या करेंगी, उन ट्यूमर सेल्स को, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम, किल देम. सो दैट इज द कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर न्यूरोब्लास्टोमास. नेक्स्ट इज हाउ इज द प्रोसीजर परफॉर्म्ड. Nuclear medicine imaging is usually performed on an outpatient basis. Usually ye emergency cases mein nahi kiya jata kyunki iske results itni jaldi nahi aate, it may takes hours to days, so outpatient department mein, but hospitalized patient may be sometimes kar liya jata depending upon the situation. And depending on the type of nuclear medicine exam you are undergoing, doses are adjusted accordingly, और फिर उनको डिफरेंट रूट से दिया जा सकता है. इट टेक्स फ्रॉम सेवरल सेकेंड्स टू सेवरल डेज फॉर द रेडियो ट्रेसर टू ट्रेवल थ्रू योर बॉडी एंड एक्यूमुलेट इन द ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट, एंड एज अ रिजल्ट इमेजिंग मे बी डन इमीडिएटली फ्यू आवर्स लेटर, और इवन काफ़ी दिनों के बाद पेशेंट को बुला के इसकी स्कैनिंग की जा सकती है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स के उसकी जो आप मटेरियल उसको दे रहे हैं, आइसोटोप दे रहे हैं, उसकी हाफ लाइफ कितनी है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट.
When it is time for the imaging to begin, the camera or scanner will take a series of images, number of images aayenge. And the camera jo hota hai, it may be rotated around the patient or it may stay in one position. Or patient ko kaha jata hai ki apni position ko change kare so that you can take the images from different angles. In some cases, the camera may move very close to the patient's body, which is necessary to obtain the good quality images. और अगर इसके साथ प्रोब यूज किया गया जो कि स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है इट विल बी पास्ड ओवर द एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज ऑफ इंटरेस्ट और बीइंग स्टडीड टू मेजर द लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी अदर न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट भी आप कर सकते हैं इसमें आप रेडियो एक्टिव मटीरियल का या फार्मास्यूटिकल का लेवल चेक कर सकते हैं इन द ब्लड और यूरिन और इवन ब्रेथ ठीक है यूजली जो है वो blood test या urine test. So lens जो होती है वो vary करती है type of examination, type of radio pharmaceuticals जो आप use कर रहे हैं. Actual जो scanning time for nuclear imaging exam है वो 20 minutes से several hours तक होता है और हो सकता है it may be conducted over several days like depending upon the half life आप उसको देख लेते हैं उसको day one पे day two पे several days पे उसकी स्कैनिंग इमेजिंग ले सकते हैं और बच्चों के अंदर उनको जो है वो जनरली रैप कर दिया जाता है सो दैट दे डू नॉट मूव या उनको लाइट सेडेशन दे दी जाती है इफ द इंट्रावीनस लाइन इज इंसर्टेड फॉर द प्रोसीजर उसको रिमूव कर दिया जाता है एंड बट अगर उसी सेम डे पे कोई और प्रोसीजर दोबारा आपने करना है दोबारा कोई उसकी डोज लेनी है तो दैट इज मेंटेन्ड What are the benefits and risk of the nuclear medicine? Benefits जो हैं इसके काफी ज़्यादा हैं हमने last lecture में पढ़े थे. So उसके uses पढ़े थे. But इसके benefits जो हैं as compared to other imaging techniques क्या हैं nuclear medicine examination provide unique information क्योंकि ये structural information भी देती है और functional भी देती है जो आपको बाकी procedure पे functioning नहीं पता चलती You cannot assess the metabolic rate or metabolic activity. A nuclear medicine scan is less expensive and it may yield more precise information than exploratory surgery. So sometimes, आपको information जो जैसे laparotomy वगैरह होती है जिसमें आप explore करते हैं surgery में, you are not actually treating but you are exploring. तो उससे पहले ये जो है वो sometimes nuclear medicine is helpful to know के एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ एक्सप्लोरेटरी सर्जरी वहाँ की जाती है ना जहाँ आपको रीजन नहीं मिल रही होती कि इशू है कहाँ सो जैसे फॉर एग्जांपल लेप्रोटमी की जाती है फॉर एग्जांपल पेशेंट इसको अपेंडिसाइटिस की पेन है आपको लग रहा है आपने उसको खोला वो जो है वो अपेंडिक्स तो ठीक थी उसको तो इन्फ्लेम्ड ही नहीं थी तो आपने पूरा उसका एब्डोमेन खोल दिया और उसका इंटेस्टाइन का कुछ निकल आया गैंग्रीन निकल आया सो जस्ट एन एग्जाम्पल So nuclear medicine offers the potential to identify the disease in its earliest stages. ठीक है early stage में क्योंकि वो metabolic activity, functional activity को भी बता सकती है तो early जो है वो diagnose कर सकते हैं आप disease को. And by detecting whether the lesions are likely benign or malignant. PET scans may eliminate the need for surgical biopsy या फिर best biopsy location जहाँ सबसे ज़्यादा radioactive material होगा जहाँ सबसे ज़्यादा metabolic activity so that's a better site for taking the biopsy. PET scans may provide additional information which is used for radiation therapy planning. Iske risk kya hai? Nuclear medicine diagnostic procedures have been used for more than 5 decades. और इसके रिस्क बहुत कम है कोई एज सच हार्मफुल इफेक्ट नहीं है समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शन टू फार्मास्यूटिकल्स रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में अराइज बट इट इज एक्सट्रीमली रेयर और अगर अराइज हो भी जाए तो वो माइल्ड रिएक्शंस होते हैं और द साइट ऑफ आईवी लाइन वहाँ पे स्लाइट पेन और रेडनेस हो सकती है दैट शुड रैपिडली रिजॉल्व What are the limitations of nuclear medicine? Nuclear medicine procedures can be time consuming. It can take several hours to days for the radio tracer to accumulate in the body part of interest. And imaging may take up to several hours to perform.
Though in some cases, newer equipment is available that can substantially shorten the procedure time, but still, as compared to other procedure, it is time-taking. The resolution of structures of the body with nuclear medicine may not be as high as with other imaging like CT or MRI se better resolution nahi hoti iski. But it is more sensitive than other techniques. So that's the end of today's lecture. Bahut hi chota sa lecture tha aaj. Koi question hai to pooch lo. अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने ना एक्सरेज पढ़ के आने हैं. एक्सरेज की जो है एक तो उसका मैकेनिज्म, उसकी फिजिक्स क्या है, व्हाट आर एक्सरेज और उसके प्रोसीजर और उसके यूजेस. ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछना, क्योंकि मैं पीछे से इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी आप लोग के एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आगे आगे तो इतना जाएंगे नहीं, सो जो आपके एग्जाम में इंक्लूड होने वाला है. अच्छा MIBG stands for meta iodo benzyl guanidine, that is a chemical compound job as a therapy देते हैं. जो रेडियो ट्रेसर होता है देखें, इट इज एन एलिमेंट जिसके ऊपर एक रेडियो आइसोटोप होता है. रेडियो आइसोटोप ने करना क्या होता है, उसने गामा रेज एमिट करनी होती है. सो जब उसकी हाफ लाइफ खत्म होगी तो वो अपनी सारी जो है वो रेडियो आइसोटोप अपनी एमिशन करवा चुका होगा. रेडियो आइसोटोप जो है उसने उसका काम यही होता है ना कि उसने रेज एमिट करवानी है, रेडिएशन प्रोड्यूस करनी है. सो जब रेडिएशन उसने प्रोड्यूस कर लेनी है, इट विल बी वैनिश्ड ऑफ. अच्छा और कोई क्वेश्चन है? चलिए अटेंडेंस लगाते हैं. अटेंडेंस जो है वो मैं एंड से स्टार्ट करूंगी आज. वाइवा की डेट मैं आपको वीकेंड पे बता दूंगी. पहले मैंने आपको टेंटेटिवली आइडिया तो दे दिया था, लेकिन ये है कि मैम दिसंबर के लास्ट वीक में होगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो यही बता रही हूँ आपको. दो तीन दिन में आपको कंफर्म डेट बता दूंगी. अभी जो असेसमेंट प्लान है ना, उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि और चीजें ऐड करें. सो आई एम लुकिंग फॉर इट, क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया मैं उसको ही स्टिक करना चाह रही हूँ, वरना फिर उसमें और आपके प्रेजेंटेशंस वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी. सो लेट्स सी इफ इट गोज विद इट, कि मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों के असाइनमेंट्स आवो कब आए हो. जी अटेंडेंस मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. मासूमा सज्जाद, मासूमा सज्जाद, अमानिया ताहिर, मासूमा प्रेजेंट, अमानिया ताहिर, अबीहा जैनब, अमानिया प्रेजेंट, अबीहा जैनब, मोहम्मद उस्मान,
फुरकान मजीद, मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट, फुरकान प्रेजेंट, मलिहा मरियम, अमीर हमजा, अमीर हमजा, मलिहा प्रेजेंट, अमीर हमजा, मुशाहिद रहीम, मुशाहिद प्रेजेंट, शवाल नईम, सना हबीब, सना हबीब प्रेजेंट, शवाल प्रेजेंट, सिमा भट्ट प्रेजेंट, आमना ताहिर प्रेजेंट, हिना खालिद, प्रेजेंट, मुआज अरशद, प्रेजेंट, सफा नूर, प्रेजेंट, अमसा जफर गुलजार, अमसा जफर, सना खालिद, अमसा प्रेजेंट, सना खालिद, मलाइका ताहिर प्रेजेंट, माहा अदील, अथर इकबाल, अथर इकबाल, मोमिना अब्दुल कुदूस प्रेजेंट, अरीबा नासिर, अरीबा नासिर, आलिया शहबाज, आलिया शहबाज, आयशा 082, आलिया प्रेजेंट, आयशा प्रेजेंट, मैमूना तारिक प्रेजेंट, अफजल एहसन, अफजल एहसन, सारा अनवर, सारा अनवर प्रेजेंट, फाखरा जफर, फाखरा जफर, नादिर हुसैन ये प्रेजेंट था, अच्छा फाखरा प्रेजेंट, रहमा सुहेल प्रेजेंट, फरा नूर प्रेजेंट, एमन दिलशाद प्रेजेंट, माहीन जफर प्रेजेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट, उम्मे एमन, उम्मे एमन, मोहम्मद काशिफ 061, दोनों ही आए हैं। उम्मे एमन एब्सेंट है। नुदरत नूर प्रेजेंट, तैमूर मुजाहिद, हाँ जी नादिर आपकी लग गई है, तैमूर मुजाहिद, वलीद मलिक, वलीद मलिक, कशफ मकसूद प्रेजेंट, जैनब अंसर, जैनब अंसर, सहर नदीम, सहर नदीम प्रेजेंट, सिमाब फयाज,
प्रेजेंट मोहम्मद राफी, सुंबल मुश्ताक, प्रेजेंट दाऊद, दाऊद एब्सेंट है, मोहम्मद राफी प्रेजेंट, खानिया खान, खानिया खान सबा यासीन प्रेजेंट, समिया शाहिद प्रेजेंट, लिंता याकूब प्रेजेंट, मोहम्मद शहीर जैदी, मोहम्मद शहीर प्रेजेंट, इकराम शरीफ प्रेजेंट, उमेर अहमद, उमेर अहमद जिनकी अटेंडेंस हो गई जी वो जा सकते हैं। सुमैया सादिया, सुमैया प्रेजेंट, रबिया इरफान, रबिया इरफान प्रेजेंट। तो मुझे बता दें, अफसल अहसन, उम्मे एमन और तैमूर मुजाहिद, वलीद मलिक, जैनब अंसर, उमेर अहमद, मोहम्मद आमिर ताहिर प्रेजेंट, मोहम्मद हामिद प्रेजेंट, अफसल अहसन भी याद आया, ये आप आए अभी लेक्चर के बाद, एमन हबीब प्रेजेंट, आयशा नासिर, आयशा नासिर प्रेजेंट, मोहम्मद अमान लियाकत, अबीहा आपकी लग गई हुई है अटेंडेंस, मोहम्मद अमान प्रेजेंट, मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट, रगीजा अनम, आप लोगों को कोई जल्दी होती है, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ ना, यू कैन लाइक मार्क इट ऑन योर टर्न, वेट नहीं होता आप लोगों से। रगीजा अनम एब्सेंट, हाफिज मोहम्मद सलमान प्रेजेंट, खतीजा नवाज प्रेजेंट, दुआ खान प्रेजेंट, सादिका शहजादी, क्यों हर जगह एब्सेंट हो जा रही है, अल्ला नवाज सादिका प्रेजेंट, अल्ला नवाज एब्सेंट, अहमद मुश्तबा प्रेजेंट, फातिमा अब्दुल्ला, फातिमा अब्दुल्ला प्रेजेंट, इकरा नज़ीर, इकरा नज़ीर, मोहम्मद काशिफ प्रेजेंट था, अलीना, अलीना प्रेजेंट, मोहम्मद काशिफ प्रेजेंट, आयशा अयूब, आयशा अयूब, नसरुल्ला, नसरुल्ला, सबाहत जिया प्रेजेंट, आबरू फातिमा, आबरू प्रेजेंट, एमन रजा, एमन रजा, सैयदा बतूल बुखारी, सैयदा बतूल, इरम ताहिर,
किरण ताहिर, आरफा कबीर, सॉरी इट्स या इट्स आरफा, आरफा कबीर, किरण प्रेजेंट, आकिफा जावेद, आकिफा जावेद, सलमान राशिद प्रेजेंट, सुमैया सज्जाद, सुमैया सज्जाद, अक्सा रशीद, अक्सा रशीद, सहरिश अथर, I'm just repeating the names, अगर ये प्रेजेंट हैं तो बता दें, रहीजा अनम, अल्लाह नवाज, इकरा नज़ीर, आयशा अयूब, नसरुल्ला, एमन रज़ा, सैयदा बतूल बुखारी, आरफा कबीर, आकिफा जावेद, सुमैया सज्जाद, अक्सर रशीद, सहरे शतर। किसी की अटेंडेंस नहीं हुई तो बताएं। माहा अकील, वर यू इवन प्रेजेंट ड्यूरिंग माय लेक्चर और यू जस्ट जॉइंड? महादेव, अच्छा शवाल नईम, आपकी तो लगी हुई है। उमेर अहमद, अथर, अमीर हमजा, और कौन है? उमेर अहमद, अथर, अमीर हमजा, अफसर ऐसे नाम की लगती हुई है। कोई एक बच्ची बीच में गई थी, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, कौन थी वो? एंड वेयर इज शी नाउ? सरकम जरियाम, अच्छा मैंने नाम नहीं पढ़ा था। आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? जब 2 महीने हो गए हैं, आई डोंट इवन नो यू। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन जरकम? You're not enrolled in my section. Unmute कर दिया मैंने सबको। Excuse me, ma'am. Hello. जी कौन बोल रहा? Ma'am, Zarkam here. हाँ जी बताएं। मैम मेरी अभी इनरोलमेंट हुई है, अभी कुछ देर पहले ही मुझे मैसेज आया है। तो पहले मेरा इशू चल रहा था, वो क्लियर हुआ है, तो अभी इनरोलमेंट हुई है आपके सेक्शन। क्या इशू चल रहा था? मैम मेरा PWW बोर्ड है तो उसका थोड़ा इशू था, वो क्लियर हो गया। नहीं, आपको किसने कहा मेरे सेक्शन में है? मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अब 2 महीने बाद आपने एक लेक्चर भी नहीं लिया होगा मेरा। मैम मैं ऑनलाइन हुआ है ना, तो मुझे मैसेज आया कि आपकी इनरोलमेंट हो गई है। आप मुझे मेल करेंगे अपने आईडी के साथ, उसके बाद में आपसे बात। ओके मैम, थैंक यू। सैयदा बतूल, आप पहले किधर थी सैयदा? आप लोगों याद आ रहा था। अच्छा जी चलो ठीक है बच्चों, अगर कोई इशू हो तो यू कैन मेल मी एंड आस्क मी। और आप लोगों के क्विज की डेट आप लोगों को 3-4 दिनों में मैं बता दूंगी, सो डोंट वरी, जस्ट प्रिपेयर योर लेक्चर्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।